तो ऋषिकेश का काफी फेमस ये वाटरफॉल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और इसी के साथ साथ हल्की से आपको थोड़ा ऑफ रोडिंग करके जो है यहाँ पे पहुँचना पड़ता है। और इसी के साथ साथ रास्ता आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा एडवेंचरस जरूर रहता है यहाँ पे। तो फाइनली देख सकते हैं आप लोग, इसी के साथ दोस्तों शुरू करता हूँ मैं बिना देरी के आज की जो वीडियो है हमारी। हम निकल चुके हैं ऋषिकेश से नील वाटरफॉल के लिए। बाकी सामने आप आगे देख सकते हैं राफ्टिंग के लिए भी ऋषिकेश में काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं गर्मियों की छुट्टियों के लिए। और आगे आप लोग देख सकते हैं किस तरह से जो है गाड़ी की छत पे यहाँ पे लोग राफ्टिंग के लिए जा रहे हैं। तो जब भी आप ऋषिकेश आओ तो राफ्टिंग के लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शन आपके लिए रहता है। इसी के साथ साथ आप लोग रोड यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही आप लोग ऋषिकेश से 3 से 4 किलोमीटर आगे नील वाटरफॉल की तरफ जाओगे और वहीं से आपको हल्की सी इस तरह से चढ़ाई जो है चढ़नी पड़ती है। रोड जो है पूरी यहाँ पे ऑफ रोड रहती है आपके लिए। और जैसे ही आप नील वाटरफॉल में पहुँचते हैं तो उससे पहले आपको थोड़ा यहाँ पे परमिशन जरूर लेनी पड़ती है। इस पर ये परमिशन रहती है, यहाँ पे आपको टिकट या पर्ची स्लिप कटवानी पड़ती है यहाँ पे नील वाटरफॉल के लिए, जो कि आगे जाके चेक होके तभी आपको एंट्री नील वाटरफॉल में मिलती है। पर पर्सन के लिए अलग अलग रहती है। जैसे बच्चों की मैं बात करूँ तो बच्चों के लिए 20 से 30 रुपये यहाँ पर रखी गई है। तो फाइनली जो है हम लोगों ने भी यहाँ पे स्लिप ले ली है और अब हम लोग निकल चुके हैं आगे नील वाटरफॉल के लिए। बाकी इसी के साथ साथ रास्ता आपको इसी तरह से रोड पे हल्के पत्थर मिलेंगे, तो आप अपना 2-व्हीलर या 4-व्हीलर भी लेके आ सकते हैं। दूसरा जो आपको यहाँ पे ऋषिकेश में ऑप्शन रहता है वो ये रहता है कि आप अगर ऋषिकेश आए हो तो रेंट पे भी आप 2-व्हीलर लेके यहाँ पे आ सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर फॉरनर भी काफ़ी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, स्पेशली गर्मियों में, क्योंकि ऋषिकेश जो तपोवन का एरिया रहता है काफ़ी जो है टूरिस्ट यहाँ आते हैं, विदेशी लोग भी यहाँ घूमने के लिए आते हैं और काफ़ी प्यारा माहौल भी यहाँ पे रहता है। बाकी इसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा स्कूल कॉलेज का ग्रुप यहाँ पे बच्चों का आया हुआ था, जो कि अभी नील वाटरफॉल से विजिट करके नीचे की तरफ यहाँ पे आ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं ऊपर नील वाटरफॉल की तरफ। और इसी तरह से हमारे आगे आप 4-व्हीलर यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब भी आप ऋषिकेश आओ तो नील वाटरफॉल में भी आप लोग यहां आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्यारा नज़ारा यहां पे गर्मियों में रहता है। और इसी के साथ साथ बस यहां पे थोड़ा आप लोगों को स्ट्रिक्टली यहां पे रोड पे चलना पड़ेगा, बाकी रोड जो है छोटी यहां पे ज़रूर है और रोड पे जो है छोटे छोटे पत्थर भी हैं, तो गाड़ी का स्लिप होने का जो स्पेशली हमारे 2-व्हीलर रहते हैं स्लिप होने का यहाँ पर डर रहता है। तो बाकी आप लोग सामने आगे भी यहाँ पर देख सकते हैं और धूल मिट्टी यहाँ पे रोड पे हल्की सी रहती है। और दूसरा मैं यही कहना चाहूँगा आपके, पहाड़ों पे चाहे कहीं भी आप जाओ ना, तो 2-व्हीलर या 4-व्हीलर जब भी आप लेके जाओ तो हमेशा जो है गाड़ियों से दूरी बना के रखें। सामने अभी आप देख सकते हैं गाड़ी का टायर यहाँ पे जो है स्लिप हो गया था यहाँ पे, और ऊपर से भी जो है गाड़ियाँ हमारी नीचे की तरफ आ रही हैं। तो ये जो है थोड़ा रिस्की पहाड़ों पे हमारे रहता है, बाकी आपके लिए एंजॉयमेंट यहाँ पे फुल रहता है। और देख सकते हैं आप कितने टूरिस्ट जो हैं ऊपर से अभी नील वाटरफॉल से नीचे डाउन की तरफ आ रहे हैं और हम लोग जो हैं जा रहे हैं अभी नील वाटरफॉल की तरफ। और इसी के साथ साथ जो है फाइनली अब हम जो है काफ़ी करीब जो है नील वाटरफॉल के यहाँ पे पहुँच चुके हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और जैसे और इसी के साथ साथ जो पार्किंग की रहती है आपको नील वाटरफॉल में, वो पार्किंग आपको रोड के साइड ही जो है अपनी गाड़ी जो है 2-व्हीलर या 4-व्हीलर लगानी पड़ती है। बट अगर मैं बात करूँ वीकेंड की तो वीकेंड में जो है काफ़ी भीड़ यहाँ रहती है, तो कोशिश आप ये करो कि वीकेंड में कम से कम ही आओ, क्योंकि वीकेंड में आप लोगों को बहुत ज़्यादा भीड़ क्राउड रहता है यहाँ पे ऋषिकेश में। और इसके साथ साथ आप लोगों को जहाँ में भी गर्मियों में काफ़ी मुसीबत यहाँ पे रहना पड़ेगा, मुसीबतों का सामना यहाँ पे गर्मियों में करना पड़ता। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे काफ़ी भीड़ जो है यहाँ पे हो ही चुकी है अभी फिलहाल। और जितने भी आप अभी यहाँ पे स्कूटियाँ देख सकते हैं सारे ज़्यादातर लोग यहाँ पे रेंट पे लेके जो है येलो नंबर लेके ऋषिकेश से लेके यहाँ पे आए हुए हैं। कितनी लंबी लंबी जो है लाइनें यहाँ पे सारे 2-व्हीलर लगे हुए हैं, बाकी 4-व्हीलर भी आप लोग आगे यहाँ पे देख सकते हैं।
और फाइनली जो है अभी हम पहुंच ही चुके हैं यहाँ पे नील वाटरफॉल में। अब यहाँ से जो ऊपर का नज़ारा देखोगे आप तो काफ़ी प्यारा जो है दृश्य रहता है यहाँ पे, और सामने हल्की सी चढ़ाई एकदम रहता है। तो इसी के साथ साथ थोड़ा एडवेंचर करने के साथ साथ आपको माइंड यहाँ पे अच्छा लगेगा। आप लोगों यहाँ पे एकदम पहाड़ों के बीचों के बीच देख सकते हैं आप लोग, सड़क के पास ही आपको इसी तरह से वाटरफॉल ऊपर से आता हुआ जल यहाँ पे दिख जाएगा, और कुछ लोग यहाँ पे फोटो भी खींच रहे हैं। तो यहीं से आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, और अभी यहाँ पे जो आप टिकट नीचे लेना पड़ता है वो यहीं पे आप लोगों को दिखाना पड़ता है। इसी के बाद आपको यहाँ से आगे जाने के लिए एंट्री मिलती है, और फाइनली इस तरह से लोगों को आप लोग देख सकते हैं। तो काफ़ी प्यारा यहाँ पे रहता है, और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा जो है उपलब्ध हो जाएगी। कोल्ड ड्रिंक वाटर आपके लिए यहाँ पे रहता ही है, बाकी अगर आप मैगी नहाने के बाद यहाँ पे मैगी का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो काफ़ी प्यारा यहाँ पे ये नज़ारा आप वाटरफॉल का यहाँ पे देख सकते हैं। जो मेन वाटरफॉल रहता है हमारा वो सबसे टॉप में रहता है, जो मेन वाटरफॉल है, बाकी छोटे छोटे आपको इसी तरह से रास्ते में जैसे आप जैसे चढ़ाई चढ़ते रहोगे तो आपको इसी तरह से वाटरफॉल बीच बीच में दिखाई देंगे। और इस तरह से आप लोगों को भी यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे बेस्ट जो रहता है यहाँ पे वो आप अपने फ्रेंड सर्कल में आके यहाँ पे आ सकते हो, काफ़ी प्यारा रहता है यहाँ पे। बाकी आगे जो भाई लोग जा रहे हैं इन्होंने जो है गाने चला के अपने मस्ती में ये लोग चढ़ाई चढ़ रहे हैं यहाँ पे, और जगह जगह आपको इसी तरह से प्यारे से ये नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और भाई लोगों को आप देख सकते हैं कितने खुश हो रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट टाइम ये लोग आए हैं यहाँ पे नील वाटरफॉल में, तो काफ़ी अच्छा इन्हें भी यहाँ पे लग रहा है। बाकी आप चढ़ाएँ यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो जल की इसी तरह से छोटी छोटी आपको नहर टाइप का यहाँ पे नहाने के लिए मिलेगा, तो जहाँ आपका मन करे आप वहीं पे रुक सकते हैं। बाकी जो मेन वाटरफॉल रहता है आपका वो है टॉप में बिल्कुल, जहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं, तो वहाँ भी काफ़ी प्यारा रहता है वहाँ पे दृश्य, और सामने आपको वहाँ पे हर चीज़ मैगी वगैरह भी वहाँ पे भी आपको मिलेगी। बाकी इसी तरह से रास्ते पे आप लोग धीरे धीरे ऊपर चढ़ाई की तरफ चढ़ते रहेंगे। बाकी इसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो काफ़ी भीड़ जो है बढ़ती जा रही है, लंबी लाइन पूरी लोगों की यहाँ पे लगी हुई है, और लोग नीचे भी जो है जो लोग पहले जा चुके थे यहाँ नील वाटरफॉल में तो वो लोग डाउन की तरफ आ रहे हैं नीचे। बाकी काफ़ी प्यारा ये नज़ारा यहाँ पे दृश्य रहता है, आपको पूरा थोड़ा एडवेंचरस के साथ साथ काफ़ी प्यारा यहाँ पे घूमने में एकदम अच्छा लगेगा आप। तो जब भी आप लोग ऋषिकेश आओ तो नील वाटरफॉल में भी आप लोग यहाँ विजिट कर सकते हैं, जो कि ऋषिकेश में काफ़ी अच्छी लोकेशन रहती है यहाँ पे। और अभी हम जो है नील वाटरफॉल के काफ़ी करीब जो है पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और इस तरह से फाइनली दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं। बाकी आप लोग देख सकते हैं कितने ऊपर से बिल्कुल पत्थर से पहाड़ों के से यहाँ से जल नीचे की तरफ गिरता है, और लोगों को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और आसपास आपको यहीं पे मैगी भी जो है आप लोगों को मिल जाएगी यहाँ पे, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो तो हर चीज़ आपको यहाँ पे मिली जाएगी। और इसी के साथ जब भी आप लोग आओ तो इसी की तरह आगे भी आपको वीडियो ऋषिकेश हरिद्वार हमारे उत्तराखंड से आती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी सामने आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम ऊपर पहाड़ की चोटी से किस तरह से जो है जल यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो यही जो मेन वाटरफॉल रहता है ना, सबसे मेन जो वाटरफॉल रहता है टॉप में बिल्कुल एकदम है यहाँ पे, और देख सकते हैं आप लोग काफ़ी बड़ा भी है यहाँ पे, सामने आप लोग पुल भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब भी आप आओ ऋषिकेश तो नील वाटरफॉल यहाँ पर आ सकते हैं। तो फाइनली जो है